नमस्कार, मैं हूं राजीव। बात करें अगर सोने की चाल की, तो इस समय यह चाल लोगों को गजब चौंका रही है। एकदम जो भी लक्ष्य सामने रखे जाते हैं, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि अच्छा अगले 6 महीने में यह भाव आना चाहिए, वो भाव 6 हफ्ते में आ जाता है, कई बार वो 6 दिन में आ जाता है। सोने की ये तेज चाल जो है वो वाकई सबको हैरान करने वाली है। लेकिन इतनी तेजी क्यों है सोने में और आगे कितनी गुंजाइश है? बात करते हैं आज SMC की वंदना भारती से। वंदना जी, अब जो चाल हमने देखी आज के कारोबार में, 53,700 का भाव आ गया सोने का। लोग हैरान हैं, इतना तेज क्यों है सोना? जी नमस्ते सर। यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि काफी फैक्टर्स हैं इसके पीछे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर सर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो 2008 से एक सोने में चाल की शुरुआत हुई थी अपसाइड की। और जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे वो है फियर ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे कि कोविड आया, और जब हम देख रहे हैं कि अब US के जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने बोला कि US ने ऐसी मंदी देखी जो कि कभी नहीं देखी। अभी तक हम बोल रहे थे कि 1932 की मंदी है, अब वो बोल रहे हैं कि ये 1932 की मंदी से भी ज्यादा बड़ी मंदी है। तो ये जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के, वो बहुत पावरफुल सेंटिमेंट्स हैं और वो निगेटिव साइड में जा रहे हैं। और जिस तरीके से इजी मनी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में US ने 4 स्टिमुलस दिए, 3 उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं, चौथे की बात हो रही है। और वो प्रेशर है कि आप यहाँ पे एक बड़ा स्टिमुलस और दो ताकि लोग सर्वाइव कर पाए। तो इजी मनी फ्लो यहाँ पे है। दूसरी चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगी सर कि जो स्टॉक मार्केट है उससे काफी कोरिलेट किया था सोने में। अगर 19 की चाल की बात करें, थ्रू आउट अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट हाफ था उसमें नॉर्थ कोरिया का बार बार वो मिसाइल इशू आता था कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं US पे, उसके बावजूद सोने ने कोई चाल नहीं दिखाई अपनी तेजी की। रादर वो US और चाइना के मूव पे भी, जो ट्रेड टेंशन थे उस पर भी वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट उसने तब किया जब इक्विटी मार्केट में एक फॉल आना शुरू हुआ, वहां से सोने की चाल काफी गहराई थी। लेकिन अब जबकि इक्विटी मार्केट भी बढ़ रही है और कोविड के को लेते हुए जितने भी नेगेटिव न्यूज है वो यहाँ पे हैं, तो लोगों में एक हैरानी है कि ये जो इक्विटी मार्केट की रैली है, जब हम बातें कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 20 साल पीछे चली गई, 2-3 डिकेड पीछे चल गई, उसके बावजूद भी इक्विटी मार्केट में इतनी रैली है, इट इज नॉट जस्टिफाइड विद द रियल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये एक फियर है मार्केट में, जो कि फियर यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो हेज फंड्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको भी एक कंपल कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट बाइंग करें या फिजिकल बाइंग करें। तो मेरे ख्याल से फियर ऑफ इन्फ्लेशन, इजी मनी, अभी कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, फ्रेजाइल करेंसी एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो हैं, और ये जो लो इंटरेस्ट रेट रिजीम है, अल्ट्रा लूज मनी है, ये मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2-3 साल का जो साइकिल है उसके लिए यहाँ पे ये परसिस्ट करने वाला है। तो लोग इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पे सोने में निवेश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये रैली अभी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन एक एक्सट्रीम एंड को ना लेके चले निवेशक, वो ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लेकिन वंदना, जैसा आपने कहा, इक्विटी में भी तेजी इस समय है, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। लेकिन इस बार ये जो मार्च से ही हमने देखा, जब पहले तो सोने में भी गिरावट आ रही थी, इक्विटी में भी गिरावट आ रही थी, तो उस समय भी एक कोरिलेशन दोनों में बन गया, जो कि आमतौर पर बनता नहीं है। फिर इक्विटी में भी तेजी आई, सोने में भी इतनी गजब की तेजी आ गई, तो ये एक साथ चीजें कैसे हो रही? क्या ये माना जाए कि सबसे बड़ा कारण जो है, जो आपने कहा इजी मनी, वही इजी मनी इन दोनों बाजारों को एक साथ चला रहा है? क्योंकि पैसा आ रहा है बाजार में, तो फिर उसे कहीं जाना है, तो वो कभी सोने में रास्ता तलाश रहा है, कभी इक्विटी में तलाश रहा है, दोनों जगह एक साथ जा रहा है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे, क्योंकि जो मनी फ्लो है वो डेस्टिनेशन फाइंड आउट कर रहा है। अब जबकि हम देखते हैं कि थोड़े से भी जो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, PMI डेटा इंप्रूव हो रहा है, या चाइना जो है वो अपना ओन इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहा है, रादर वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे है, लेकिन वो इम्पोर्टर है, लेकिन वो एक्सपोर्टर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो एक पक्ष है चाइना का, वो स्ट्रांग हो रहा है कि वो अपनी इकोनॉमी को शुरुआत कर चुका है, लेकिन बाकी जो लॉकडाउन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ पे ओपन हुई नहीं है। तो ये कह सकते हैं जो इजी मनी है ये अपना रास्ता तलाश कर रहा है, और इसे लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में हम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं और अनलॉक होना शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ में ये जो रैपिड एक्सपेंशन है यहाँ पे इन्फेक्शन के, ये यहाँ पे कंपेल कर रहा है कि पोर्टफोलियो में पहले हम 5 से 10% की बात करते थे, लेकिन अब हेज फंड्स यहाँ पे 15% तक की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे आप सोने में निवेश करें। और सबसे बड़ा सा यहाँ पे हमारे अगर इकोनॉमी की बात करें,
हमारा जब प्रीवियस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गोल्ड बॉन्ड्स को, वो कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना कि अभी के सिनेरियो में गोल्ड बॉन्ड जो है वो सक्सेसफुल है। तो मेरे ख्याल से फियर फैक्टर है मार्केट में कि किसी भी टाइम, चाहे आप अब थर्ड क्वार्टर ले लें यहाँ पे, वहां पे इकोनॉमी में थोड़ा सा, इक्विटी मार्केट में रादर एक थोड़ा सा क्रैश यहाँ पे आ सकता है। अगर 10-15% भी अगर डिप आ जाता है, इनफैक्ट 10% भी डिप आ जाता है, तो मेरे ख्याल से ये रैली को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है सोने में। लेकिन जैसे आपने कहा कि तेजी अभी और जारी रह सकती है, तो ये कितनी गुंजाइश है? क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे कि 50,000 सोने के लिए एक बड़ा टारगेट होगा, आ गया। फिर लोगों ने सोचा कि शायद इस साल के आखिर तक 52,000 पहुंच जाएगा भाव, अभी ही पहुंच गया, उससे आगे निकल गया, 54,000 के आसपास का भाव दिख रहा है। लोगों ने कहा 55,000 अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन जिस रफ्तार से ये चीजें चल रही हैं, मतलब लग रहा है कि कोई टाइम फ्रेम देना, कोई टारगेट रखना, शायद इन सब का कोई मतलब नहीं रह गया। कितनी गुंजाइश बची है? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गुंजाइश अभी भी है, क्योंकि इसने इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे मार्केट में से लगातार रिकॉर्ड तोड़े हैं। 8 दिन 9 दिन लगातार न्यू रिकॉर्ड बनते चले गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की गुंजाइश थोड़ी सी यहाँ पे बाकी है। और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे लगातार नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। एक समय ऐसा था जब गोल्ड भी ऊपर की तरफ जा रहा था और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जा रहा था, दोनों सेफ हेवन बाइंग एक हॉट डेस्टिनेशन था। लेकिन जब से चौथे ट्रांश की बात होने लगी, स्टिमुलस की बात होने लगी है, तो हमने सडनली डॉलर इंडेक्स को बैकफुट पे आते हुए देखा। जब अनलॉक 3 यहाँ पे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी यहाँ पे फिजिकल बाइंग बढ़नी चाहिए। लेकिन एक कॉशन के साथ मैं यहाँ पे आना चाहूंगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बात करें अगर लगातार मूवमेंट की, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे आता रहे सोने में। क्योंकि अगर 2008 की बात की जाए, जब क्रूड $147 था, उसके बाद सब लोगों ने बात कही कि ये $200 यहाँ पे आ सकता है, लेकिन $200 ना आके वो $37 की तरफ गया था। तो एक कंजर्वेटिव आउटलुक लेके यहाँ पे निवेशक को बिल्कुल सेफ यहाँ पे ट्रेड करना होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बार 56,000 57,000 अपना टारगेट सेट करके और वहां पे सेफली निकलना होगा। और एक्सट्रीम एंड ना तो मैं यहाँ पे 60,000 के करीब जाना चाहती हूँ, ना यहाँ मैं 35,000 के करीब जाना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि 45,000 से लेके 57,000 के बीच में गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, और यही एक सेफ जोन है जहाँ पे ट्रेड करके एक बार निकल भी जाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि 56,000 57,000 का भाव आ जाए तो उस समय लालच छोड़ करके वहां आप मुनाफा ले लीजिए, टेबल से हट जाइए, क्योंकि फिर ऊपर की गुंजाइश थोड़ी छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। जी सर, ग्रीडी हो जाएंगे हम वहां पे। और उसके बाद जब भी हमने देखा है कि बिल्कुल जब मार्केट टॉप बनाता है, वहां से 10-15 करेक्शन जिस हिसाब से सोना यहाँ पे गया है, तो वहां पे लोग लॉन्ग में ट्रैप होते हैं, शॉर्ट में ट्रैप होते हैं, दोनों साइड वहां पे ट्रैप होते हैं, उसके बाद मार्केट में एक पैनिक आता है। तो मेरे ख्याल से उस सिचुएशन को यहाँ पे बिल्कुल बच के चलना चाहिए। और हमने इनफैक्ट हम लोगों ने कल की मार्केट में देखा है, सिल्वर में अचानक से 2,500 पॉइंट की गिरावट आ गई। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि 2,500 पॉइंट की सिर्फ गिरावट है, बढ़ा तो 14,000 था, लेकिन जब मार्जिन मनी में उसको हम पे करते हैं तो वो पेनफुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, और निवेशक का पैसा बहुत भारी मात्रा में यहाँ से जाता है। तो जो आउटफ्लोज हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं फ्यूचर्स मार्केट से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बारी अपना टारगेट सेट करके चलना होगा, क्योंकि वही एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगा। 56,000 57,000 एक जोन बनाना चाहिए कि मुझे अगर इतना प्रॉफिट मिल गया तो मैं यहाँ से निकलूंगा, अगर मुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं करेक्शन का वेट करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि सर जो थर्ड क्वार्टर है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश हो सकता है सोने के लिए, इसकी तैयारी निवेशक को करनी होगी। जी, लेकिन जब आपको लालच करने की बात आप कह रही हैं, तो अगर लालच करना ही है आपको, तो फिर वो लालच आज की तारीख में क्यों ना करें? हम 56,000-57,000 का इंतजार क्यों करें? क्या ये कन्वेक्शन है कि 56,000-57,000 या उससे ऊपर के भाव भी आएंगे ही, लेकिन हम 56,000-57,000 पर ही निकल जाए? वो कन्वेक्शन क्या है जो आपको कहता है कि नहीं, अभी प्रॉफिट बुकिंग की लालच नहीं करना है, अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना है, थोड़ी और अपसाइड बाकी है? ये कन्वेक्शन कहाँ से आ रहा है? सर मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा मतलब डाउनसाइड अभी में फिलहाल देखने को मिल सकता है यहाँ पे गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि इजिली यहाँ पे एक बार हम 52,000 का लेवल देखते हुए देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जिनको 56,000 टारगेट करना है वो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आज जैसे एक्सपायरी है यहाँ पे, तो हो सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि वीक का भी लास्ट डे है, मंथ का भी लास्ट डे है, तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन मिले। और
मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 56-57 हज़ार में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर फोर्थ स्टिमुलस पैकेजेस के यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है फेड की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वहां पे फिर इजिली ये राना पाते हुए हम देख सकते हैं। और इक्विटी मार्केट में जो एक PMI डेटा वगैरह इंप्रूवमेंट आ रही थी, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश हो सकता है क्योंकि जो दोबारा से लॉकडाउन हुए हैं, काफी मेजर मेजर सिटीज में यहाँ पे लॉकडाउन हुए हैं, उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि फ्रेश एंट्री की बात अभी नहीं है। जिन्होंने शायद 46 हज़ार पर खरीदा हो, 48 हज़ार पर खरीदा हो, उन्होंने 50 का भाव भी देख लिया, 52 का भाव भी देख लिया, अब 53 के ऊपर का भाव देख रहे हैं, तो क्या वो इस समय ये सोच सकते हैं कि चलो अच्छा मुनाफा मिल रहा है, इस समय निकाल लिया जाए, या कम से कम एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ही कर लिया जाए, या आप उनके लिए भी कहेंगे कि नहीं आप 56-57 का इंतजार कर लीजिए, उतना तो आ जाएगा। सर, मुझे मार्केट से जिस तरीके का फीडबैक मिलता है या जो जिन्होंने मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारे यहाँ पे निवेशक ऐसे हैं, बहुत खुशी होती है बताने में कि वो 44-44 हज़ार के लेवल से उन्होंने निवेश किया है। मेरे ख्याल से उनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करना चाहिए। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेडी होना ठीक नहीं है और अचानक से हम एक क्रैश आते हुए देख सकते हैं। मैं यही बार बार निवेशक को बोलती हूँ कि 2-3 हज़ार आराम से यहाँ पे कोने में फॉल आ सकता है, तो जिनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दी है उनके लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। एटलीस्ट आप 50% आप निकाल सकते हैं अगर आप ETF में आपने किया है और आपको री एंट्री का ये री एंटर करने का यहाँ पे अगर किसी और कमोडिटी में या सिर्फ गोल्ड में आपको मन है ध्यान है, तो 50% आप यहाँ पे पार्शियल करिए, 50% को आप कैरी करिए। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ये पॉइंट रहेगा। और दूसरी चीज ये है सर यहाँ पे कि अगर अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी मूवमेंट आती है या चाइना का डेटा जिस तरीके से इम्प्रूव होके आ रहा है, इस तरीके से अगर US और इंडिया का डेटा में अगर ग्रीन शूट्स मिलने लगे तो यहाँ पे स्लगिश यहाँ पे हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, अभी तक हम ये बातें करते थे कि एक दशक से सेंट्रल बैंक्स जो है, जो पहले ट्रेडिशनल नेट नेट सेलर होते थे, कभी भी कोई इमरजेंसी की बात आती थी तो गोल्ड को सेल करते थे, नाउ दे बिकम नेट बायर। अब वो जो हमारा फर्स्ट हाफ है 2020 का, उसमें उनकी जो बाइंग है थोड़ी सी यहाँ पे स्लगिश हुई है, वो इतने अग्रेसिव नहीं रह गए हैं। तो हमें देखना होगा कि बाइंग जोन से हमारा एक बायर तो घट रहा है, वो कम हो रहा है, फिजिकल डिमांड हमारा कम है, इन्वेस्टमेंट डिमांड इसको टिका के रखा है। और इन्वेस्टमेंट डिमांड से मनी आउटफ्लो होना बहुत ईजी है, जैसे ही हेज फंड अपना पैसा निकालेंगे पैनिक आते हुए हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात होगी कि ये 54,000-53,500 के बीच में आप अपने 50% प्रॉफिट को बुक करके चलिए और 50% आप छोड़िए कि यहाँ पे एक बार 55 का लेवल आता है, 56 का लेवल आता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। जी वंदना, दरअसल एक बहुत तेज बाजार में मुनाफा लेकर के निकल जाना जो है वो बहुत आसान फैसला नहीं होता है, और शायद इसीलिए 50-50 के रूल को हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं कि चलिए आप दोनों में से किसी भी तरफ गलत नहीं होते, आपको ये संतोष रहता है कि अगर आगे की तेजी जारी रही तो भी हमने 50% बचा रखा था अपना इन्वेस्टमेंट, और अगर अगर कहीं बाजार वहां से पलटता है तो भी आपको अफसोस नहीं होता कि हमने ऊपर के भाव पे 50% अपना बुक कर लिया था। वंदना, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।